हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज का ब्लॉग बना रही हूँ मैं अपने बालों पे, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अपने बाल लंबे करूँगी, काटूंगी नहीं, कैंची तक नहीं लगाऊंगी। लेकिन जिस तरह मेरे बालों की हालत हुई है, बहुत ज़्यादा दो मुँह बाल हो गए हैं देखिए, तो अब तो रहा नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो नीचे से आग लग गई हो। तो अब तो मैं अपने बालों को कटिंग करवा ही रही हूँ, क्योंकि इतने भद्दे से दिख रहे हैं ना। तो मैंने बहुत कंट्रोल किया था कि इस बार मैं कटिंग बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, लेकिन जिस तरह मेरे बालों की हालत हुई है, मुझे लगता है कि मुझे अपने बाल काटना ही पड़ेंगे। आगे के बालों की कटिंग जो है मैंने 3-4 दिन पहले की थी, लेकिन लगता है अब पीछे के बालों की बारी भी आ गई है काटने की। तो गाइस, मुझे कमेंट में बताना कि मेरे बालों की कटिंग जो है कैसे हुई है। मैं अपने बालों में जो है फेदर कटिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने बालों की लेंथ भी ख़राब नहीं करनी है, मुझे लेंथ भी बिल्कुल शॉर्ट नहीं करनी है। क्योंकि मुझे दो मुँह बाल है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कट करूँगी और मैं फेदर कटिंग जो बिल्कुल सिंपल तरीके से करूँगी, हल्के हल्के लेयर्स आएंगे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं खुले बहुत ज़्यादा रखती हूँ बालों को। तो इसलिए मैं अपने बालों में फ़ेदर कटिंग कर रही हूँ। इससे ये होता है कि आप बाद में गुत भी कर सकते हो, जूड़ा भी कर सकते हो, पोनी भी बना सकते हो, तो मतलब ख़राब नहीं होंगे आपके बाल, सब कुछ बन जाएंगे। ऐसे शॉर्ट बाल होते तो ज़्यादा शॉर्ट कर देंगे तो ना तो जूड़ा बन सकता है ना पोनी बनती है। इसलिए जो है मैं फेदर कटिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने बालों में फेदर कटिंग ही करवाती हूँ। बालों को जो है अच्छी तरह से गीला करें, उसके बाद जो है अच्छे ढंग से कॉम करें। पूरी तरह से बाल अच्छे गीले होने चाहिए, तभी कटिंग करने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्टिंग में बालों की कटिंग करने के लिए जो है मैं पहले एक हल्का सा लेयर लूँगी और ये मेरी गाइडलाइन होगी और इसी के अकॉर्डिंग जो है मैं अपने सारे बालों की कटिंग करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से गाइडलाइन ले सकते हो जितनी आपको चाहिए। अगर आपको शॉर्ट करने हैं तो आप उतनी ले सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग जितनी आप स्टार्टिंग में गाइडलाइन लोगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी पूरी कटिंग होगी। मुझे ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़े लंबे ले रही हूँ गाइडलाइन। अगर आपने बन लेयर्स काट लिए तो उसको जो है दूसरी साइड क्लचर से बांध ले, ताकि आपको दूसरे लेयर्स लेने में आसानी हो। जो आपने गाइडलाइन ली थी स्टार्टिंग में, उसी के अकॉर्डिंग जो है बालों को कट करना है। जब आप लेयर्स कट कर रहे हो तो साथ साथ में नोचिंग भी करते जाए, इससे क्या होता है कि लेयर्स जो है उभर कर आते हैं। फेदर कटिंग में ऐसा होता है कि जब आप अपने लेयर्स ले रहे हो तो आपको जो है कॉम जो है पीछे से लेकर आगे को करनी होती है कॉम, तभी आपके जो है लेयर्स अच्छे आते हैं। अब जो है मैं दूसरी साइड अच्छे से कॉम कर रही हूँ बालों को और यहाँ से एक लेयर्स लूँगी। और जो मैंने अब इसके लिए मैं गाइडलाइन जो स्टार्टिंग में मैंने गाइडलाइन ली थी, उसी के अकॉर्डिंग बालों को कट करूँगी।
जो मैंने स्टार्टिंग में गाइडलाइन दी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है मैं बाल कट कर रही हूँ। गाइडलाइन से पता चल जाता है कि जो एक्स्ट्रा बाल है वो आगे अपने आप दिख जाते हैं कि कौन से बाल कट करने हैं, खुद ब खुद वो अपने आप आ जाते हैं ऐसे उंगलियों से अच्छे से प्रेस करने से, जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो अपने आप ही निकल जाते हैं। बालों को कट करने से पहले ध्यान रहे कि आपको जो कॉम्ब जो है पीछे से आगे की ओर ही करनी है। अभी जो है मेरे बालों की कटिंग दोनों साइड से कंप्लीट हो चुकी है और आगे से मैं एक और सेक्शन ले रही हूँ। आप चाहे तो दो सेक्शन भी ले सकते हो, तीन सेक्शन भी ले सकते हो, जिसके घने बाल होंगे वो तीन भी ले सकते हैं या तीन से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टू ही सेक्शन ले रही हूँ, क्योंकि ये सेक्शन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये बाद में जो आप लेयर्स आते हैं बहुत ही अच्छे उभर कर आते हैं, इसलिए जो है मैं टू सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छे उभर कर सामने आते हैं बाद में। फाइनली मेरा हेयर कट जो अभी कंप्लीट हो चुका है। मुझे इसलिए भी ये हेयर कट पसंद है क्योंकि जैसे हम बाहर जाए तो बार बार कॉम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ बार बार कॉम करते रहे, कौन करता रहे ऐसे बार बार कॉम, तो उंगलियों से ही ये सेट हो जाते हैं बाल। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर यही हेयर कट करवाती हूँ अपने बालों में। मैंने अपने बालों में कुछ यूज़ नहीं किया है, अगर मैं अपने बालों में ड्राइल वगैरह यूज़ करती तो ज़्यादा अच्छा उभर कर आती, उसको कॉम करने से ऐसे फोल्डिंग करने से तो ज़्यादा अच्छे लगते लेयर्स।
हे गाइस, अगर आपको मेरा हेयर कट पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपने बालों की लेंथ जो है ज़्यादा कम नहीं करनी थी, इसलिए जो है मैंने थोड़े थोड़े कट किए हैं। और मुझे ऐसे ही ज़्यादा चाहिए थे बाल, शॉर्ट नहीं चाहिए थे। इससे ये होता है कि अब कभी मन करे कि हाँ मैं जे कटिंग करनी है शॉर्ट कर दे, तो कभी दिल करता है कि यार कहीं पे जाए तो पोनी बनानी थी या कुछ करना था, जूड़ा करना था, तो वो नहीं बन पाता शॉर्ट बालों में, तो पोनी वगैरह नहीं बनते। इसमें यह है कि आप जैसा दिल करे वैसा हेयर स्टाइल रख सकते। कभी दिल करे खुला रखने तो खुले भी रख सकते हैं, पोनी करनी हो तो पोनी भी कर सकते, जूड़ा करना तो वो भी कर सकते हैं। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए जो है मैंने अपने बालों की लेंथ थोड़ी कम की है। बस कम कम ही कट की है मुझे, और इतना ही चाहिए था।